नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आरसीबी टीम से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जहां पर दोस्तों आरसीबी टीम के एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन खिलाड़ी जो है यूएई हाल में पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में मैं आगे सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। उन सभी खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो कि आरसीबी टीम को हाल ही में ज्वाइन किए हैं। इसके अलावा दोस्तों आरसीबी टीम के सभी खिलाड़ी जो है कब से प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे, क्या है डायरेक्टली मैचेस खेलेंगे या फिर दोस्तों ये बीच में अभ्यास करते हुए दिखाई देंगे, इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से खुलकर चर्चा करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वही दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचते रहे। वही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को यदि ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी याद से ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है लगातार मिलती रहती हैं। तो भाइयों, लेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आरसीबी टीम हाल ही में यूएई पहुंच चुकी है। एक या दो हफ्ते से आरसीबी टीम लगातार जो है अभ्यास करते हुए दिखाई दे रही है। आरसीबी वहां पर पहुंचने के बाद पहले 6 या 7 दिन क्वारंटीन में थी, जिसके बाद सभी खिलाड़ी जो है ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा हुए और वहां पर लगातार अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोच माइक हेसन की देखरेख में और संजय भांगर की देखरेख में आरसीबी टीम के तमाम खिलाड़ी जो है जो पहुँच चुके थे पहले से ही, वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अब हाल ही में आरसीबी टीम के और भी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का यूएई पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले हमने देखा कि आरसीबी टीम के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स यूएई पहुंचे, इसके बाद धीरे धीरे मैक्सवेल भी यूएई पहुंच गए, वहीं कल जो है काइल जेमिसन भी आ गए थे। और आज दोस्तों जैसा कि पहले से ही खबर आ रही थी कि संडे को विराट कोहली और मोहम्मद सिराज आने वाले हैं, वहीं इस खबर पर मुहर लग गई है, विराट कोहली और सिराज यूएई पहुंच चुकी है। इसकी जानकारी आरसीबी टीम ने खुद अपने सोशल साइट्स पर दे दी है। ट्विटर हैंडल पर आरसीबी टीम ने दोनों ही खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर कर दी है, जहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों ही खिलाड़ी जो है यूएई में पहुंच चुके हैं और तस्वीर खिंचाते हुए नजर आए हैं। आरसीबी टीम में जो भी खिलाड़ी हाल ही में ज्वाइन हुए हैं, उन सभी खिलाड़ियों की जानकारी आरसीबी टीम ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से तस्वीरें शेयर करके दी है। वहीं दोस्तों विराट कोहली और सिराज के अलावा आज जो है डैन क्रिश्चियन भी यूएई पहुंच चुके हैं। सारे ही खिलाड़ी 6 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे और क्वारंटीन के बाद ही आरसीबी टीम के लिए प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अब अभ्यास करने का टाइम भी काफ़ी कम बचा हुआ है। अगर 12 तारीख से लेकर के 6 दिन तक ये खिलाड़ी क्वारंटीन में रहेंगे तो हो सकता है कि डायरेक्टली मैच खेलने ही उतरे, ना कि अभ्यास करने उतरे, क्योंकि 12 से 6 यानी कि 18 तारीख तक ये क्वारंटीन में रहेंगे और 19 तारीख को आईपीएल शुरू हो जाएगा। इसका फेज 2 जो है शुरुआत हो जाएगी 19 सितंबर से। 20 तारीख को आरसीबी टीम को अपना पहला मुकाबला ही खेलना है। ऐसे में दोस्तों खिलाड़ियों के पास अभ्यास का टाइम काफ़ी कम बचने वाला है, इसलिए डायरेक्टली जो है मैचेस खेलने के लिए भी उतर सकते हैं। हालांकि 1 या 2 दिन का टाइम बच जाएगा मैच से पहले, जहां पर तमाम खिलाड़ी हमें प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी अपडेट विराट कोहली, सिराज और डैन क्रिश्चियन को लेकर, जो कि यूएई पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।